हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कार्तिक माह में लगने वाले कपाल मोचन के ऐतिहासिक मेले का आगाज हो गया है। ये मेला इस बार 5 दिन तक चलेगा। आज इस मौके पर यहाँ साधुओं ने शाही स्नान कर मेले का शुभारंभ किया। वहीं मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्राइन बोर्ड प्रशासन की पूरी मदद ले रहा है। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। पवित्र कपाल मोचन सरोवर में शाही स्नान करने आए साधु स्वरूपानंद महाराज ने बताया कि कपाल मोचन स्थित सभी सरोवरों का अपना विशेष महत्व है। इसके साथ ही उन्होंने कपाल मोचन मेले के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। शाही स्नान तो शाही स्नान होता है, सबसे पहले कुंभ हो या दूसरी जगह साधु संत स्नान करते हैं। शाही का मतलब राजा, राजा का मतलब महाराजा, संत, संत को महाराजा कहा जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस इलाके में पता नहीं कहाँ कहाँ से संत आते हैं, एक एक दाना लेकर आगे प्रसाद बांटते हैं। और वो श्रद्धा जो नहीं देखते इसकी शक्ल ये कौन है कौन नहीं है, पुण्य दान जो कोई जगह होती है वो कपाल मोचन जगह है। कुंभ में भी प्राइवेट ढाबे चलते हैं, कोई प्राइवेट ढाबा नहीं, कोई चाय की दुकान नहीं, और ऐसे मिठाई लग रही है जैसे कोई मेहमान को सजा रहे हो। ये हमारा सौभाग्य है। बराडा शहर से आए जी, हर साल जी आते हैं। की मान्यता की है दी, क्यों हर साल आंदे हो? ये मन तो जो भी मन लो जी सच्चे दिल से मिल जाती है। हाँ मिल जाती है, हम बहुत मनते पूरी हो गई जी। हम आज ही आयो, असन 4 दिन हो गए जी आए। असन कर चुके सारे सरोवरां? हाँ सारे सरोवरां स्नान करते रोज करते हैं। असन जन्मदिन ते जावांगे हुण बाबे दे जी, उहदे भोग पै जाणगे फिर साडा लास्ट दिन होगा। मनोकामना पूरी पूरी करता असि कहने बाबा ते असि तुहाडे दीपक जलाया तुसी साडे जलाओ, तो मनोकामना पूरी हुंदी है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।